वेलकम बैक आप देख रहे हैं एजेंडा 360 और हम बात कर रहे हैं असमतर असमत जहांगीर जांगी साहबा से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार और ये जुडिशल बैलेंस और इन सब चीज़ों पे हमने बात करने की कोशिश की थी ब्रेक से पहले मैंने एक लिंक दिया था कि जी मुझे पूछना चाह रहा हूँ ये अब सब क्यों जाग रहे हैं और पहले मैं असम साहिबा से पूछ चुके हैं हम लोग पूछ चुके हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की सारी पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों बातें नहीं होती सवाल मेरा असम साहिबा आज इसलिए भी डायरेक्टेड है इसलिए मैं ये दो साल से कर रहा हूँ काम लगभग और मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं होती पाकिस्तान में मज़हब के अलावा कोई भी इदारा जो है वो प्योर प्योरिटी आप उसके अंदर सौ फीसद कम अज़ कम नहीं देख सकते लिहाजा इस प्योरिटी जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज और एक सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट इन इट सेल्फ और माई लॉर्ड चीफ जस्टिस और ये सारी चीज़ें ऑन पेपर तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट एंड वेरी पावरफुल एंड जज आप जज की जो सारे इख्तियार जज की जो सारी ताकतें हैं लेकिन उसके अगर अलावा अगर आप ह्यूमनाइज करके जो कि पाकिस्तान में किया जाता है और शायद करना भी चाहिए अगर उस तरह देखें तो असल साहब फिर एक एक स्मैक ऑफ 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 बायस और अल्ट्रा एक ताकत से आगे गुजर जाना ये क्या मैं गलत कह रहा हूँ देखिए आपने तो बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर दिए अल्ट्रा वायरस और बायस वो तो स्पेसिफिक आप बात पूछे कहाँ और कहाँ नहीं मगर आपका जवाब दूँगी मैं इस तरीके से कि आपने ये हम रोज कहते हैं हम एटनोजियम कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी सीन बट सीम टू बी डन ठीक है ना जी बार बार हम कहते रहते हैं शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन जी तो इसी तरह जो है इम्पारशलिटी जो है

तो क्या गलत किया चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर या मूवमेंट ने या वकीलों ने या मीडिया ने कि अगर साथ नवाज शरीफ को देने दिया अपना उसका पोलिटिकल फ़ायदा हो गया और हमें जो है जुडिशरी वापस मिल गई क्या करें आप जाहिर है आपको पॉलिटिकल मसल के बगैर तो नहीं हो सकता ये काम अब ये समझ बैठना वजह है तो आगे इस, नहीं आप और आगे पीछे जा रहे हैं बातों को लेके देखिए फायदा और नुकसान जो है मोमटरली एक चीज़ होती है लॉन्ग टर्म दूसरी चीज़ होती है

कि जी लोगों का ये परसेप्शन रहेगा मैंने आपसे बताया कि लोगों का परसेप्शन इसलिए भी है तो उसका नुकसान होता है अगर जेनवनली एक जुडिशरी जो है वो चाहे कि हम जो गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज़ इज़ अ प्रायोरिटी कि हम वो करें तो वो हमेशा यही लगता है कि शायद ये उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा है अगर एक यानी कि जैसे अब मैं समझती हूँ पीएमएलएन ने एक तरह से

जैसे यहाँ पे मसलन मीडिया में कई कई र्यूमर्स कई कई बातें ऐसे हाँ, से, वो, गलत है, है वो, बात वो अच्छा आज यहाँ तक जो थेरीज थी जिनका मैंने पढ़ा नहीं मैंने यहाँ तक थेरीज पढ़ी कि जी प्राइम मिनिस्टर मिसल मिशन, मिशन पे हैं वो चाहते हैं कि मैं कुर्बानी का बकरा बनूं वो चाहते हैं कि वो निकलें और वो फिर फिर वो अपने आप को साबित करें कि ही विक्टिमाइज्ड नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर बड़े, बड़े खुश नजर आ रहे हैं मुझे मुझे, मुझे वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं वो निकलने के कोई मूड में नहीं, नहीं नजर आ रहे कि मेरी राय है बहरहाल उस है। मुल्क में जाने को सर जाने को कौन तैयार होता है इस मुल्क और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये वी आर वी आर कंप्लीटली इन एग्रीमेंट ऑन दैट मिस जहांगीर लेकिन अगर आज के टकराव पे आए कि अब अगर थोड़ा सा इल्जाम आपके

आप कोई नहीं। फिकर ना करें कोई, ना नहीं, कोई नहीं नहीं, करता भी नहीं करेंग्र लेकिन की बात सही है कि कोई और उनकी कुर्बानी देना हाँ। चाहिए हो सकता है वो खुद नहीं देना चाहेंगे बहरहाल ये एक हमारी राय है हो सकता है हम गलत हों लेकिन अगर आज के टकराव पे आए और ये जो ब्लेम का तयन भी करें क्योंकि व्यूअर को ये समझना चाहिए कि वो टकराओ 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 तो सुन रहा है लेकिन आया कि ये गलती इसमें किसकी है सुप्रीम कोर्ट की गलती है या हुकूमत की गलती है अब अगर हुकूमत ट्रांसफ़र करेगी लोगों की कि करप्शन छुप सके बाहिर अब जो भी है ये एक राय है लोगों की तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसमें उन ट्रांसफ़र्स को बदनीती पर मबनी या करप्शन को छुपाने के लिए समझ के उनके हवाले से कोई ऑर्डर वो देते हैं और सिर्फ इस हद तक दें कि भाई ये इस वजह से नहीं हो सकता अगर कोई और वजह किसी को ट्रांसफर करने की वो तो जाहिर हक बजाना है एग्जीक्यूटिव करने को तो इसमें इल्ज़ाम आप किसको देती हैं सुप्रीम कोर्ट को या हुकूमत वक्त को प्राइम मिनिस्टर को देखिए जो ये रिसेंट किस्सा हुआ है मैं समझती हूँ कि इसके अंदर जो हुकूमत है उसका जो तरीका कार रहा है वो सही नहीं रहा उन्होंने अपने आप को अदालत में तो कोई डिफेंड नहीं किया अदालत में खड़े होकर कुछ कहते मगर एक इंसान ने और एक ब्यूरोक्रेट ने जब एपिक्स कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया तो उसको निकालना मैं समझती ये सही बात नहीं है ये टेक ऑन करने वाली बात है और ये नहीं करना चाहिए था और क्योंकि अब यह मामला रिवर्स हो गया है क्योंकि टकराव तो अब ख़त्म हो रहा है ना टकराव तो एक दिन ख़त्म हो गया मगर उसके अलावा मैं और उसमें मैं कोई इफ़ और बट नहीं करती यह मेरी कैटेगोरिकल जो है यह मेरी आ, आ, थिंकिंग है कि वो गलत हुआ और गवर्नमेंट ने गलत किया Asha, मैं sir? इसको लेती हूँ एक सीरीज़ के साथ एक सीरीज़ के साथ इसलिए लेती हूँ कि यहाँ पे मसाइल इसलिए भी उबरते हैं क्योंकि जो ओवर एक्सपोजर ऑफ एनी ज्यूडिशरी टू द मीडिया वो मेरा ख्याल है कि एक मुफीद चीज नहीं होती है और ये दुनिया में कहा जाता है सिर्फ यहाँ इसी, इसी के बारे में मुझे जरा एक कल, मैं मैं एक बात बताइए जैसे कल मैं मेरी पूरी बात करने दे, दे सर एक मिनट पूरी बात अब कल एक ऑर्डर एक लिखवाया गया सुप्रीम कोर्ट में आज आप अखबार उठा के देख लें तो जुडिशल कमेटी की क्या मीटिंग हो रही है उसमें ये ये बातें की गई देखिये अगर आपने मीडिया वॉर करनी है और आपने मीडिया से एक दूसरे के साथ झड़पना है तो फिर माजरत के साथ फिर ये तो दो सियासी अदारे लड़ रहे हैं देखिए तो और आप सही कह रही है चाहूँगी लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारा मुल्क जो है वो एक मेच्योर और इस्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे एक हम एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे जुडिशल एक्टिविज्म या जुडिशरी का लोगों में दिल बनाना मतलब जगह दिलों में बनाने से पावर हासिल करना ये सारा अमल तो अभी यहाँ पे शुरू हुआ है

कि जी ये ये शायद नहीं कहना चाहिए था कि इम्प्लीमेंट करो वरना हद लग के से जेल जाओगे लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल दिया, नहीं कहना चाहिए था अब क्योंकि कह दिया लिहाजा वो कानून बन गया तो अब ये करना जरूरी होगा कि यहीं पे हम सब खड़े बिल्कुल मेरी भी यही राय है मगर आपसे मैं जो बात करना चाहती हूँ कि दुनिया में ये होता है टेंशन होती हैं ये होता है और फिर रिजॉल्व होते हैं मामला मैं आपसे एक सवाल खुद करना चाहती हूँ अगर एक सुप्रीम कोर्ट जो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ भी ये नहीं हुआ मगर ये आप मीडिया की तरफ से कई दफा पुट्रे होता है अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले नहीं इन्फोर्स खुद करा सकती और ये आज का मसला नहीं, हर चौथे दिन ये मसला खड़ा होता है और वो उसके फैसले कराने के लिए एक हमें वकीलों की फौज चाहिए तो मैं समझती हूँ कि आप बड़ी ज्यादा करते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये समझ मैं, के लिए उसमें क्या होता है अगर यू आर डिपेंडेंट ऑन लॉयर्स फिर एक्सप्लाइटेशन लॉयर्स करते हैं और करते हैं ठीक है ये बात सही है उस पर ब्रेक के बाद मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ही दिनों पहले इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया था कि जब एनआरओ केस में जजमेंट आई थी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात उठी थी तो आर्मी ने एक तरह से मैसेज पहुंचाया था सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस साहब को कि हम आपके साथ यहाँ नहीं खड़े होंगे और फिर उस वजह से उनका कुछ इंकशाफ था कि शायद सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं बढ़ी और एन केस में अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने से जो है वो पीछे हट गई तो आज क्या आर्मी का रोल है क्या मुख्तफ हो गया क्या अभी भी आर्मी जो कि अब क्योंकि उसके बाद एपटाबाद इंसिडेंट और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और मेहरान बेस का इंसिडेंट हुआ है तो आज आर्मी का रोल क्या है क्या इमरान खान साहब दुरुस्त फरमान में आस... हैं आसमा जांगिर साहबा की राय में वो भी उनसे हम पूछेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद